s equal to ut, distance equal to velocity into time, distance equal to velocity into time. तो डिस्टेंस t, वेलोसिटी c नॉट अपॉन n इनटू टाइम, यानी टाइम की जगह मैं टाइम ले लेता हूं, वेलोसिटी की जगह लाइट की वेलोसिटी ले लेता हूं, लाइट की वेलोसिटी ले लेता हूं, जैसे जिस वेलोसिटी से दूसरी रेस ट्रेवल कर रही है, जिस वेलोसिटी से दूसरी रेस ट्रेवल कर रही है लाइट की वेलोसिटी ले लेता हूं, यानी सी नॉट इंटू टाइम अगर लेना है तुम्हें तो तुम्हें एन इंटू टी लेना पड़ेगा, एन इंटू टी लेना पड़ेगा, यानी थिकनेस की जगह यानी डिस्टेंस की जगह अगर मैं एन इंटू टी ले लू, एन इंटू टी ले लू तो सब लाइट की जगह लाइट की वेलोसिटी की जगह लाइट की वेलोसिटी, टाइम की जगह टाइम, यानी सिर्फ और सिर्फ बाकी सब सेम है, लाइट टाइम। आवाज अटक गया था, ठीक है वापस से पहले क्या है टाइम टेबल से इसे बनानी है, एक्चुअली आज के टाइम टेबल अभी के स्लॉट में तुम्हारी भी क्लास लगी हुई है और जे टू की भी क्लास लगी हुई है, तो दो क्लास तो एक साथ कैसे होगी, ठीक है। हाँ तो अपना अब ये बन गया कि सब कुछ सेम है, बस तुम ये कर लो कि अगर कोई भी स्लैब है या मीडियम डिफरेंट है तो उसके अंदर लाइट जो है वो एक्चुअल पाथ की बजाय, जैसे ये टी थिकनेस है तो टी जितना पाथ ट्रेवल नहीं करती है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है, कितना ट्रेवल एक्स्ट्रा करती है, एन इंटू टी, एन इंटू टी, एन इंटू टी, यानी कहीं पे अब आगे से डायरेक्टली ध्यान रखो कि अगर मेरे को वैक्यूम से कंपेयर करना है या एयर से कंपेयर करना है तो किसी मीडियम में लाइट एक्स्ट्रा चलती है, कितनी एक्स्ट्रा चलती है, एन इंटू टी, जितना जितना इधर टी में चलेगी उधर इतना एन इंटू टी चलेगी, तो टी को माइनस कर दिया था, अब वापस एड क्या करूंगा मैं, एन इंटू टी, यानी इसका एक्चुअल पाथ कितना हो गया, इसका एक्चुअल पाथ कितना हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया इसका एक्स प्लस टी कॉमन ले लेता हूं टी इंटू एन माइनस वन, टी इंटू एन माइनस वन, तो देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये हो जाएगा इस, ये भी एक्स चल रही है, ये भी एक्स चल रही है, बट ये एक्स्ट्रा चल रही है, ये एक्स्ट्रा चल रही है, एक्स्ट्रा चल रही है, यानी कितना चलेगी एक्स्ट्रा, कितना चल रही है, टी इंटू एन माइनस वन, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा टी इंटू एन माइनस वन। अब आगे से अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए, अगर तुम किसी के रास्ते के अंदर स्लैब रख दोगे तो स्लैब की वजह से वो रे एक्स्ट्रा चलेगी, स्लैब की वजह से वो रे एक्स्ट्रा चलेगी, कितनी एक्स्ट्रा चलेगी, एक्स्ट्रा कितना चलेगी, एक्स्ट्रा कितना चलेगी, t into n minus 1, क्योंकि mu n into t तो एक्स्ट्रा चल रही है और t उसका एक्चुअल पाथ था, तो टोटल पाथ माइनस उसका एक्चुअल पाथ, मतलब जैसे ऐसा है, जैसे ये डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्टेंस है 10 मीटर वैक्यूम के अंदर, बट लाइट इस 10 मीटर को क्रॉस करने के लिए 12 मीटर चल रही है, 12 मीटर चल रही है, तो एक्स्ट्रा कितना चला 2, 12 माइनस 10, ठीक है ना, बट एक्चुअल पाथ कितना है, जैसे टोटल 100 है तो पहले 10 को माइनस कर दो फिर 12 को ऐड कर लो, तो अब अपने को यही ध्यान रखना है कि किसी भी स्लैब रख दो, बाकी पाथ डिफरेंस तुम जानो, बाकी पाथ डिफरेंस तुम जानो, अगर तुम स्लैब रखोगे ना तो स्लैब की वजह से पाथ डिफरेंस कितना आता है, म्यू इंटू टी माइनस वन या एन इंटू टी माइनस वन, एन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, टी इंटू एन माइनस वन, टी इंटू एन माइनस वन, कितना पाथ डिफरेंस आता, टी इज थिकनेस, एन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो अब तुमको सोचो ये रे एक्स्ट्रा चल रही है, ये रे एक्स्ट्रा चल रही है,
यानी अब डेल्टा एक्स यहां पे तो जीरो नहीं है, तो पाथ डिफरेंस जीरो कहां पे होगा? पाथ डिफरेंस ये एक्स्ट्रा चल रही है, यानी ये भी कहीं पे एक्स्ट्रा चलेगी तभी तो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा। तो यानी इधर कहीं पे नीचे कहीं पे डेल्टा एक्स जीरो आना चाहिए। तो डेल्टा एक्स जीरो वाली पोजिशन क्या होगी, या सेंट्रल मैक्सिमम वाली पॉइंट क्या होगी वो भी तो पता कर सकते हो। जैसे सपोज इसके नीचे वाले पॉइंट यहां पे कहीं पे किसी पॉइंट पे डेल्टा एक्स सपोज जीरो हो गया, इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स सपोज जीरो हो गया, इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो गया, सपोज डेल्टा एक्स जीरो हो गया इस पॉइंट पे, सपोज डेल्टा एक्स क्या है जीरो है, तो ये पोजिशन क्या होगी ये अपने को निकालना है। तो ये इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं मैं, वाई मान लेता हूं, आराम से समझना देखो, इसको वाई मान लेता हूं। अब अगर इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अगर जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है, तो पाथ डिफरेंस निकाल लेता हूं पहले, पाथ डिफरेंस निकाल लेता हूं पहले। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो अब देखो ये तो इसमें स्लैब रखी हुई है, ठीक है ना, इसके 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 रास्ते के अंदर स्लैब रखी हुई है, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस की। तो ये तो एक्स्ट्रा चलेगी, ये तो एक्स्ट्रा चलेगी स्लैब की वजह से, ये एक्स्ट्रा चलेगी कैसे, डेल्टा एक्स की वजह से, एक्चुअल जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से, कि यहां से परपेंडिकुलर डाला ये इतना है डेल्टा एक्स हो गया, ये एक्स्ट्रा चलेगी इतना। तो फर्स्ट वाली रे इतना एक्स्ट्रा चलेगी और सेकेंड वाली रे जो है स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा चलेगी, दोनों एक्स्ट्रा चल रही है, तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स कितना होगा पहले ये निकाल लेता हूं, उसके बाद उसको जीरो कर दूंगा। चलो यहाँ पे कर रहा हूं मैं सॉल्व, तुम थोड़ा अच्छे से लिख लेना इसको, हाँ यहाँ पे कर रहा हूं, तुम इसको चाहो तो डायग्राम इसको वापस से बना लेना। हाँ डेल्टा एक्स, तो फर्स्ट वाली रे ने कितना ट्रेवल किया, फर्स्ट वाली रे ने कितना ट्रेवल किया, फर्स्ट वाली रे ने कितना ट्रेवल किया, आराम से समझना। सपोज ये डिस्टेंस अगर कुछ x है तो ये भी x ट्रेवल करेगी, x प्लस समथिंग करेगी, अरे बोलो x है नहीं समझे, या फिर मैं दोनों में पाथ डिफरेंस में जो कॉमन पाथ है वो हटा देता हूं, एक्स्ट्रा पाथ ले लेता हूं ना, वही पाथ डिफरेंस होगा, वही पाथ डिफरेंस होगा। ये एक्स्ट्रा कितनी चल रही है, ये एक्स्ट्रा कितनी चल रही है, ये एक्स्ट्रा कितनी चल रही है, टी इंटू एन माइनस वन, टी इंटू एन माइनस वन। ये एक्स्ट्रा कितनी चलेगी, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा या डी टेन थीटा, पाथ डिफरेंस इन जनरल कैसे निकालते हो, डी साइन थीटा या डी टेन थीटा, तो ये तो एक्स्ट्रा चलेगी डी साइन थीटा या डी टेन थीटा, ये चलेगी टी इंटू एन माइनस वन माइनस d tan theta, यानी d tan theta क्या होगा, y upon capital D, y upon capital D। अब for central maxima, for central maxima delta x should be zero, delta x should be zero, तो इसको zero कर दोगे, इसको zero कर दोगे तो अपने पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी capital D upon small d into n t into n minus 1, यानी इतना सेंट्रल मैक्सिमा नीचे खिसक जाएगा स्लैब रखने से, इतना सेंट्रल मैक्सिमा नीचे खिसक जाएगा, यानी पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फ्रिंज पैटर्न ही, पहले सेंट्रल मैक्सिमा बीच में बन रहा था, ध्यान रखना जिस रे के पाथ में तुम स्लैब रखोगे उसी डायरेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा खिसकेगा, इस वाली रे के पाथ में रखोगे तो नीचे खिसकेगा, इस वाली रे के पाथ में रखोगे तो ऊपर खिसकेगा, यानी और कुछ नहीं हुआ स्लैब रखने से, सारे फ्रिंज पैटर्न इतने डिस्टेंस जितना नीचे खिसक गया, मतलब यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, क्योंकि यहां पे जो मिडिल पॉइंट है यहां पे तो कुछ डेल्टा एक्स आ रहा है, यहां पे कुछ डेल्टा एक्स आ रहा है यहां पे, यानी यहां पे या तो सेंट्रल सॉरी या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं बनेगा क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि अपने को ध्यान रखनी चाहिए
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्लैब की वजह से जो पाथ डिफरेंस होता है वो t इंटू एन माइनस वन होता है, ठीक है, t इंटू एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो अपन इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट हो तो बताओ, इसके अंदर, इसके अंदर कोई डाउट्स हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, कोई डाउट्स हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई डाउट्स हो तो बताओ, कोई डाउट्स हो तो बताओ। नो सर, नो सर। हाँ, आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यू कैन मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। एक एग्जांपल के अंदर ही सारी चीजें अपने को क्लियर हो जानी चाहिए, आराम से समझना। देखो, तो ये ध्यान ध्यान रखना है अपने को, पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब, म्यू इनटू टी माइनस वन होता है, पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब, एन इनटू टी माइनस वन होता है, सॉरी टी इनटू एन माइनस वन होता है, टी इनटू एन माइनस वन होता है, टी इनटू एन माइनस वन होता है। चलो एग्जांपल ट्राई करते हैं। अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा अच्छे से देखना। ये अपने पास सोर्स है, ये स्लैब वन है, ये स्लैब, सॉरी ये स्लिट वन है और ये स्लिट टू है, ठीक है। यहां पे अपने पास स्क्रीन में लैंग्वेज नहीं लिख रहा, वन बाय वन क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेना। ये यहां पे अपने पास स्क्रीन है, ठीक है, और सपोज कि किसी एक रे के बीच में अपन ने स्लैब रख दी, जैसे अगर सेंट्रल ये मिडिल पॉइंट पे अगर पहुंच रही है तो कुछ इस टाइप से पहुंच रही होगी। तो अगर कोई स्लैब नहीं रखोगे, कोई भी स्लैब नहीं रखोगे, तब तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा। कोई भी स्लैब नहीं रखोगे तो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा। ये मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक स्लैब रख दी, जैसे इस वाले रे के रास्ते के अंदर एक स्लैब रख दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है, और इसकी थिकनेस तो टी है, That is suppose 10.4 millimeter है, 10.4 millimeter है, 10.4 millimeter है। या फिर अपन और ज्यादा कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, इसको माइक्रोमीटर कर लेते हैं, माइक्रोमीटर कर लेते हैं, 10.4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज व्हाट,
स्मॉल डी इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू स्लैब, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लैब स्मॉल डी है, इट इज 0.45 मिलीमीटर, 0.45 मिलीमीटर, इसलिए मैंने इसको माइक्रोमीटर किया था क्योंकि ये मिलीमीटर में ले लेते हैं अपन, और जो कैपिटल डी है वो तो स्मॉल डी से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इसको 1.5 मीटर ले लेते हैं, कैपिटल डी को 1.5 मीटर लेते हैं। सबको पता है कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये भी गिवन है कि ये मेन सोर्स है, और इस सोर्स से जो दोनों जो लाइट्स निकल रही है स्लिट से, इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, डेफिनेटली कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले तो अपने को सॉल्व करना है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं ए पार्ट बोल रहा हूं। ए पार्ट इज व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है, इस पॉइंट में इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां पे इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे पहले पार्ट में ये अपने को सॉल्व करना है। सब लोग जल्दी से सॉल्व करो, सबसे हो जाना चाहिए ये इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, उसके लिए अपने को वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए। तो ये जो लाइट आ रही है इस लाइट की वेवलेंथ सपोज लैम्बडा है, वेवलेंथ लैम्बडा है, ठीक है ना। और लैम्बडा अपने ये एक्सपेरिमेंट अपन एयर के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर का मीडियम एयर ही है। और सपोज अपने को वेवलेंथ जो लैम्बडा है ये 600 नैनोमीटर के बने, लैम्बडा कितना है 600 नैनोमीटर, लैम्बडा इज 600 नैनोमीटर, जिस वेवलेंथ की ये लाइट जा रही है ये 600 नैनोमीटर की है, वेवलेंथ भी गिवन है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिड पॉइंट, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, अगर यहां से इंटेंसिटी आई नॉट और आई नॉट निकल रही है तो डेफिनेटली इंटरफेरेंस होगा, किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा उस बेसिस पे अपने इंटेंसिटी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने वेव के अंदर बहुत सारे किए थे, इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकालने वाले, इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकालने वाले। चलो एक मैं ट्राई करता हूँ, अगला वाला पार्ट तुम ट्राई करना। देखो सिंपल सा है, अगर अपने को इंटेंसिटी निकालनी है, मैंने तुम्हें फिक्स मेथड बताया था, अगर तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है, इक्विवेलेंट चाहे एम्पलीट्यूड निकालना हो चाहे इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकालनी हो, फिक्स रटा रटा है मेथड है कि पाथ डिफरेंस निकालो, पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस निकालो, पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस कैसे निकालोगे, k delta x, delta phi equal to k delta x, और फेस डिफरेंस आ गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, इक्विवेलेंट इंटेंसिटी का क्या होता है, i1 plus i2 plus 2 under root i1 i2 cos phi, यही तो होता है। चलो सबसे पहले इसका मतलब मेरे को पाथ डिफरेंस निकालना चाहिए डेल्टा एक्स, तो मिड पॉइंट पे डेल्टा एक्स मैंने अभी चमका के बताया था तुम्हें कि ऑप्टिकल अगर ये एयर के अंदर होता तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन स्लैब रखी है तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो ओनली फॉर स्लैब की वजह से आएगा, मिड पॉइंट पे पाथ डिफरेंस आएगा वो ओनली फॉर स्लैब की वजह से आएगा, और स्लैब की वजह से पाथ डिफरेंस कितना होता है, n into t minus 1। अच्छा ध्यान रखना, t into n minus 1। अब यहां पे ध्यान रखना कि अगर सपोज इसी पूरे सेटअप को, अगर मैं वाटर के अंदर डुबो दें एयर की बजाय, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n relative is n slab upon n medium, ये भी ध्यान रखना, अभी तो एयर है तो ये कितना आ जाएगा, t thickness, that is 10.4 micrometer,
इंटू टेन टू माइनस सिक्स हो जाएगा इंटू एन माइनस वन. एन कितना है? एन इज 1.5 यानी 3 बाई टू. 3 बाई टू माइनस वन, वन बाई टू. वन बाई टू तो ये कितना आ गया? ये आ गया अपने पास 5.2. 5.2 माइक्रोमीटर लिख लेता हूं. माइक्रोमीटर 5.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 5.2 माइक्रोमीटर. ये चलो एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं ना अपन, इसी एग्जांपल के अंदर वो भी साथ में कर लेते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. सपोज इसी सिस्टम को अपन ने वाटर में डुबो रखा है, सपोज इसी सिस्टम को एयर नहीं है. थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे. सपोज इस पूरे सेटअप को वाटर में डुबो रखा है, पूरे सेटअप को वाटर में डुबो रखा है, एयर नहीं है. तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3. 4/3. और ये वेवलेंथ जो दे रखी है ना, ये एन वाटर ही दे रखी है. एन वाटर दे रखी है. एन वाटर दे रखी है 600 नैनोमीटर. ध्यान रखना, एक और गलती हो सकती है यहाँ पे. क्या गलती हो सकती है? कि मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर वेवलेंथ जो है, अगर तुम्हें उस मीडियम की वेवलेंथ नहीं दे, तुम्हें एयर के रेस्पेक्ट में अगर वेवलेंथ दे, एयर के रेस्पेक्ट में अगर वेवलेंथ दे, तो अपने को पता है मीडियम में जाने से एक वेवलेंथ भी चेंज होती है. वो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन हो जाएगा. लेकिन अगर पहले से अपने को सपोज वाटर की वेवलेंथ दे रखी है, तो इसने डिवाइड करके ही दे रखा है, अपने को और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. चलो ठीक है भाई, कोई और तो कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन की जगह एन रिलेटिव हो जाएगा. एन रिलेटिव क्या होगा बताओ? एन रिलेटिव क्या होगा यहाँ पे? एन स्लैब अपॉन एन मीडियम यानी एन वॉटर. एन स्लैब कितना है? 3/2 अपॉन एन मीडियम कितना है? 4/3. यानी कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा. 9/8 तो 9/8 माइनस वन हो जाएगा. एन की जगह एन रिलेटिव तो कितना हो गया? 1/8. 1/8 यानी 10.4 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. 10.4 डिवाइड बाई 8 तो ये कितना आ जाएगा? इसको करोगे तो ये कितना आ गया? 1.3. कितना बचा? 24 यानी 3. 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर आ गया. ये पाथ डिफरेंस आ गया. पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं. डेल्टा फाई क्या होगा? के डेल्टा एक्स. के डेल्टा एक्स के क्या होगा? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. 2π अपॉन वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स. That is 1.3 into 10 to the power minus 6. तो ये 10 to the power minus 7 हो गया. कितना आ गया? इसको थोड़ा सॉल्व करना. ये 10 to the power minus 7 हो गया. Minus 6 से minus 6 कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक 10 to the power minus 1 बचा. एक और 10 to the power minus 1 यानी minus 2 बचा. फिर बचा यहाँ पे 13 into 2/6. 13 into 2/6 यानी कितना बचेगा? 13π/3 आ जाएगा. 13π/3 टू से 6 कैंसिल हो गया. 13π/3 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में अगर 10 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे डिवाइड में 10 आ गया, यानी यहाँ पे 30 हो गए. 30 से ये 10 टू माइनस 9 यानी 10 टू माइनस 6 हो गया. 10 टू माइनस 6 से 10 टू माइनस 6 कैंसिल हो गया. 2 से 6 3 टाइम्स 13 इंटू 2. हाँ 2 तो कैंसिल हो गया ना. 13π/3 आ गया. 13π/3 ये आ गया. 13π/3 अच्छा 13π/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं?
क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी एंगल सॉल्व करने की, तो इसको लिख सकता हूं मैं 12 बाई फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, 12 बाई थ्री मतलब 4, यानी इसको 4 पाई प्लस फाइव बाई थ्री लिख सकता हूं, 4 पाई प्लस फाइव बाई थ्री लिख सकता हूं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब अपने को इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो अब तो हो जाएगा I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2 into cos phi। I1 कितना है I0, I2 कितना है I0, 2 under root I0 into under root I0 into cos phi, cos of 4 pi plus pi by 3, 4 pi plus pi by 3 कितना होगा pi by 3, और cos pi by 3 कितना होता है cos 60, 1 by 2 वन बाई टू, ये होता है 1/2, 1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट I1, ये I0 हो गया, I0 यानी 3 I0 आ गया, 3 I0 आ गया, यानी इक्विवेलेंट इंटेंसिटी इस मिड पॉइंट पे 3 I0 होगी, 3 I0 होगी। क्या ये एग्जांपल अपने को समझ में आया, क्या ये एग्जांपल अपने को समझ में आया यार? नहीं आया, आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, क्या ये एग्जांपल अपने को समझ में आया? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जल्दी से नोट करो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको रफ करता हूं मैं, आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने, आई थिंक नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको मैं रफ करता हूं। नोट कर लिया ना सबने? कैन आई रफ दिस वन, कैन आई रफ दिस वन? ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड पार्ट है, डायग्राम तुम्हारे पास बना हुआ है, उसी डायग्राम को रेफर कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट था अपने पास, सेकंड पार्ट है अपने पास इसी पार्ट के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर, कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा अपने को पता है कि ऊपर वाली रे के बीच में तुमने जो है स्लैब रखी है, यानी ऊपर खिसक जाएगा, तो वही पोजीशन निकालनी है। जैसे ये S1 है, ये S2 हो गया, ये S1, ये S2, ये मेन सोर्स अपना, ऐसे रे आ रही है। अब तुमने क्या किया है कि फर्स्ट वाली स्लैब के रास्ते में तुमने जो है स्लैब रख दी, तो डेफिनेटली ये ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि इसको इसको एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ रहा है, डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो ये एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा चलना चाहिए, तो ये स्लैब के अंदर एक्स्ट्रा चलेगा और ये एयर के अंदर एक्स्ट्रा चलेगा, ये एयर के अंदर इतना एक्स्ट्रा चलेगा डी साइन थीटा जितना, और ये स्लैब के अंदर एक्स्ट्रा चलेगा टी इंटू एन माइनस वन जितना, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स कितना होगा इस पॉइंट पे, अगर सपोज सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यानी इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और मिड पॉइंट से सेंट्रल मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है इसको मैं वाई बोल देता हूं, ठीक है। तो ये वाई सॉल्व करना है अपने को कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजिशन क्या होगी। तो आप देखो,
पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा, ये एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, डी साइन थीटा यानी डी साइन थीटा यानी टेन थीटा यानी वाई अपॉन कैपिटल डी, वाई अपॉन कैपिटल डी, डी वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस, इसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ कितना है टी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, फोर सी एम डेल्टा एक्स शुड बी जीरो, डेल्टा एक्स जीरो का तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ गई डी इंटू टी इंटू एन माइनस वन, वैसे तो कुछ ये डायरेक्टली याद होना चाहिए स्मॉल अपॉन कैपिटल डी, ये हो गया। कैपिटल डी की वैल्यू पता है अपने को, स्मॉल डी की वैल्यू पता है, स्मॉल टी की वैल्यू पता है, थिकनेस एन रिलेटिव ये भी पता है, एन की जगह क्या आएगा एन रिलेटिव, क्योंकि अपन ने इसको वाटर में डाला हुआ है, एन रिलेटिव माइनस वन। सेम क्वेश्चन है वापस से, तो सबकी वैल्यू पता है तो वाई निकाल सकते हो, सबकी पता है वैल्यू पता है तो वाई निकाल सकते हो। मैं तुम्हें वाई की वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूँ, वाई की वैल्यू डायरेक्टली बता, सब सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर सकते हो ना, सॉल्व कर लेना। तो वाई सॉल्व करोगे ना तो वाई जो अपने पास आएगा वो आई थिंक 43 मिलीमीटर के आसपास आता है, 43 मिलीमीटर के आसपास आता है, 43 मिलीमीटर, 43 मिलीमीटर, यानी सारे फ्रिंज पैटर्न ऑल सेंट्रल मैक्सिमा अगर 43 मिलीमीटर से ऊपर खिसक रहा है, यानी सारा फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस सारी फ्रिंजेस 43 मिलीमीटर से ऊपर खिसक जाएगी, 43 मिलीमीटर से ऊपर खिसक जाएगी, खिसक जाएगी, यानी पूरा फ्रिंज पैटर्न विल बी शिफ्टेड अपवर्ड बाय, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि होल फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न विल बी शिफ्टेड, will be shifted upward by 43 mm से पूरा ही फ्रिंज पैटर्न ऊपर खिसक जाएगा। अब वो कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि अच्छा इसके अंदर बताओ कि मेरे को फिफ्थ, अच्छा ध्यान रखना कि स्लैब रखने से जो फ्रिंज विड्थ है ना वो कभी चेंज नहीं होती, ओनली फॉर फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है, स्लैब फ्रिंज विड्थ तो सेम रहती है, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, बीटा तो सेम रहेगा, तुम सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, पहले ब्राइट स्पॉट की डिस्टेंस निकाल लो, सेकेंड सिन की निकाल लो, उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, फ्रिंज ड्यू टू स्लैब, ये ध्यान रखना, ये नोट डाल के लिख लेना, ड्यू टू स्लैब बीटा डू नॉट चेंज, बीटा रिमेन्स सेम, बीटा क्या है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती है। तो फिर इसके अंदर मेरे से कोई ये बोल ले, आराम से सॉल्व कर सकते हो, देखो आराम से समझना, देखो जैसे कोई ये इसको y इक्वल टू जीरो बोल दू, मैं इसको y इक्वल टू जीरो बोल दू, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए वो अगर ये बोल दे कि सिक्स्थ ब्राइट स्पॉट ब्राइट फ्रिंज इसकी पोजीशन क्या होगी, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। तो देखो पहले मैं ये मान लेता हूं कि स्लैब नहीं है, स्लैब नहीं है, तो ये y इक्वल टू जीरो ब्राइट स्पॉट है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो बीटा डिस्टेंस पे बनेगी, सेकेंड टू बीटा पे, थर्ड थ्री बीटा पे, फोर्थ फोर बीटा पे, फिफ्थ फाइव बीटा पे, सिक्स बीटा पे, लेकिन सारा पैटर्न 43 एमएम से ऊपर खिसक गया, यानी ये हो जाएगा 43 एमएम प्लस सिक्स बीटा। बीटा की वैल्यू तो याद है ना सबको, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बीटा कितना होता है वही सेम रहेगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे कैसे, सपोज ये पूछ ले कि फोर्थ डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, फोर्थ डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, अच्छा
ऐसा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये स्लैब नहीं होती, यानी y इक्वल टू जीरो पे क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा, बीटा डिस्टेंस पे वापस से सेंट्रल मैक्सिमा यानी ब्राइट स्पॉट, उनके बीच में एक डार्क स्पॉट, यानी बीटा बाई टू पे फर्स्ट, थ्री बीटा बाई टू पे सेकेंड, फाइव बीटा बाई टू पे थर्ड, सेवन बीटा बाई टू पे फोर्थ, बट स्लैब रख दी यानी 43 प्लस 7 बीटा बाई 2 पे बनेगा, 43 प्लस 7 बीटा बाई 2 पे बनेगा, 43 प्लस 7 बीटा बाई 2 पे बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अरे आ गया ना समझ में या नहीं आया, ये सबको समझ में आएगा नहीं आया? अरे बोलो, यस सर। अरे बोलो, यस सर। जल्दी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो। कैन आई रफ दिस वन, कैन आई रफ दिस वन? यस सर। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें। यस सर। ओके वेरी गुड। एक पार्ट इसी क्वेश्चन का, एक और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, एक और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, एक और पार्ट करते हैं। देखो फिर अपने से पूछा जाता है कभी कभी कि, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। देखो सी पार्ट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तो YDSC के अंदर जैसे अपन क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। सपोज अपन ने पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करी, यानी मिक्स कलर की लाइट यूज करी, या फिर व्हाइट लाइट यूज करी। इफ वी यूज व्हाइट लाइट का मतलब सारे कलर मिक्स है, सारी वेवलेंथ मिक्स है। इफ वी यूज व्हाइट लाइट, देन विच कलर आराम से समझ में। देखो विल बी एबसेंट, विच कलर विल बी एबसेंट एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे कौन सा कलर एबसेंट होगा, मिड पॉइंट पे कौन सा कलर एबसेंट होगा, ये अपने से बोला है। मिड पॉइंट पे कौन सा कलर एबसेंट होगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लोग इसकी लैंग्वेज सुन के बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिसको सिंपल चीजें समझ में आती है वो आराम से सॉल्व कर लेगा। पहली चीज तो ये बताओ मेरे को कि मिड पॉइंट पे, एट मिड पॉइंट, इसी सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मिड पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना था, डेल्टा एक्स टी इंटू एन माइनस वन, यही था ना, डेल्टा एक्स टी इंटू एन माइनस वन कितना आया था, वो 1.3 × 10⁻⁶ मीटर। ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स। अब जिन कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की कलर्स इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, मिक्स लाइट है अपने पास, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट पे कौन सा कलर एब्सेंट होगा, अगर ये बात बोले
इसका मतलब जिस कलर का मिड पॉइंट या हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है भाई। फ्रिंज पैटर्न कैसे बन रहा है, इंटरफेरेंस ही तो बन रहा है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे अपने को ब्राइटनेस दिख रही है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे डार्कनेस दिख रही है। तो कौन सा कलर एब्सेंट होगा मिड पॉइंट पे, जिस कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिस कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा मिड पॉइंट पे, वो कलर मिड पॉइंट पे एब्सेंट होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कलर विच हैज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या वेवलेंथ विच हैज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट मिड पॉइंट will be absent, ठीक है। वो सारे wavelength के colors वहां पे absent होंगे जिन wavelength के लिए वहां पे क्या हो रहा है, destructive interference। तो destructive interference के लिए delta x क्या कर लो t into n minus 1 को क्या कर लो, 2n minus 1 into lambda by 2 कर लो, 2n minus 1 into lambda by 2 कर लो, कर देते अपने क्या है, अरे लैम्डा बाई टू कर सकते हो ना, एन की जगह एन रिलेटिव। तो लैम्डा कितना आ गया अपने पास, लैम्डा आ गया अपने पास 2 इंटू टी इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n-1, ये आ गया। तो देखो t into n minus 1 की वैल्यू तो कितनी है, t into n minus 1 की वैल्यू 1.3 into 10 to the power minus 6। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर लेता हूं मैं, इसको ये जीरो हटा देता हूं यहां से, 13 कर लेता हूं, 13 करोगे तो ये 10 to the power minus 7 हो जाएगा। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो 100 ये ऐसे ही रहने देता हूं, ये 100 इधर चला जाएगा तो 10 टू द माइनस 9 हो जाएगा, यानी ये हटा दिया, इसको 1300 लिख लेता हूं, यानी और 10 टू द माइनस 9 को नैनोमीटर लिख लेता हूं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 1300 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो t इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू तो रख दी मैंने, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2n-1। ये सारे वेवलेंथ जो है एब्सेंट होंगे, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो तो लैम्डा 1 आ जाएगा, 1 पुट करो 2-1 1, यानी 2600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 4 4-1 3, यानी 2/3 इंटू 1300 नैनोमीटर, 2/3 इंटू जो है यानी कितना हो गया, 2600 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कैसे नेक्स्ट क्या आएगा, 2600 डिवाइडेड बाई 5। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ क्या होगी, एब्सेंट होगी। इन वेवलेंथ के कलर्स क्या होंगे, सारे एब्सेंट होंगे। ऐसे लैम्डा 3 लैम्डा 4 सब निकाल सकते हो ना, लैम्डा 3 क्या होगा 2600 डिवाइडेड बाई 5, इन वेवलेंथ के सारे कलर्स क्या होंगे वहां पे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि इनके लिए क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मिड पॉइंट में। फिर पूछ ले कि कौन से कलर प्रेजेंट होंगे जिनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो भी निकाल सकते हैं। चलो ये सारी बातें हैं, तो बताओ ये एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया, डिड यू ऑल गेट दिस एग्जांपल ऑर नॉट, क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, आपने को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि सबको समझ में आ गया, राइट, अरे बोलो लैम्डा शुड बी ऑब्वियसली इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, हाँ वो तो खुद
वो अपने आप मैनेज कर लेगा। वो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में डेटा देने वाले की टेंशन है, अपने को टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने को टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। लैम्डा विजिबल टेंशन होगा तभी अपने को वो कलर दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अरे बोलो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो अभी अपन आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो कैन आई एंड द क्लास फॉर टुडे।